दो जो मुझसे लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नमेर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसका जवाब दो। हतब हूं, मुझे यही अले शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी टिड्डे? बोल, कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। मैंने मजाक नहीं किया था, मैंने ये चाहता कि तुम किसी मर्द को मेरे सामने भेजो। क्या तेरे लश्कर के सारे पहलवान इसी तरह के हैं? मुख्तार, ये तुम हो? अपने वकार का सौदा कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए। तुम्हारे हाथों को चूम लूं मैं। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसअब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना। इस जंगबंदी के धोखे में मत आना तुम लोग। जंग अब शुरू हुई है। इब्ने नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है।
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً. بين يدي الساعة. سلام رسول الله کو اور ہمارے بابا زبیر اور خالہ عائشہ کو پہنچا دے گا. لاش کو عورتوں کے درمیان لے جاؤ تاکہ مردوں میں نہ جائے اور وہ لوگ سکون سے رو سکے. اور زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، لاش کو زیادہ دیر رکھنا مکروہ ہے. مجھے اپنے غم میں شریک جانی ہے. منظر نے غیرت مندانہ جنگ لڑی، جوان مردی کا مظاہرہ کیا. خدا اسے غری کے رحمت کرے. خداوند آپ کے مردگان کی بھی بخشش فرمائے انشاءاللہ. تمہاری جانبازی نے ہمیں تسلی خاطر بخشی ہے. جو کچھ میں نے تمہاری دلیری اور تلوار کی گرج کے بارے میں سنا تھا، بے شک وہ افسانہ نہیں تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مختار بوقت پیکار ایک معجزہ گر ہے جو ہے قہار. بے شک ید اللہ کا لقب تمہارے شایع نشان ہے. شکریہ. تمہارے بجلی کے سے حملوں کی وجہ سے چند دنوں تک شامیوں کو خوف و ہراس گھیرے رہے گی. تمہارے خیال سے یہ لوگ کب تک جنگ بندی کو جاری رکھیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی صرف اور صرف ایک فریب ہو. جو بات حتمی ہے وہ یہ ہے کہ ابن نمیر ایک پر ایک کی جنگ ہرگز نہیں لڑے گا. ممکن ہے کہ وہ آپ کو غافل کرنے والا اور بھرپور حملہ کرنے کی سوچ میں ہو. ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا. اب کیسی تیاریوں کے ساتھ شامیوں سے لڑنے جائیں؟ ہم اپنے فوجیوں کی اس قلیل سی تعداد کے ساتھ قطعاً ایک میدان میں شامیوں پر فتح نہیں پا سکتے. جنگ کا طویل ہونا ہر لحاظ سے ہمارے حق میں فائدہ مند ہے اور شامیوں کے لیے نقصان دہ ہے. شام سے دوری، کھانے پینے کے وسائل کی محدودیت، حجاز کے صحرا کی تپتی ہوئی گرمی، یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو ابن نمیر کے قدم اکھاڑ دیں گی اور مجبوراً سے جنگ ختم کرنی پڑ جائے گی. تو پھر ہمیں چند میدانوں میں بیک وقت انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینی ہوں گی تاکہ یہ لوگ خوب تھک جائیں اور مان پڑ جائیں. میں سمجھ گیا، یعنی جنگ اور جنگ بندی بیک وقت اور وہ بھی ہر جانب سے. جی ہاں، مگر ہماری جنگ لڑنے کی کیفیت اور مقدار بھی عام ہے. ہماری جنگ اور جنگ بندی پریشان کن ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جہاں دشمن ہم سے حملے کی توقع رکھتا ہے وہاں ہم جنگ بندی کر لیں، اور جہاں ہمارے فرار کی توقع رکھتا ہے
वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारे तमाम तर अलमदार अपने अपने वज़ाइफ़ को लफ्ज़ पर लफ्ज़ और पर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसा बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के से अरतराग शान को ढेर कर देता है। तो भाई यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक इज्जत में सुला दिया उसने। मुख्तार के मौला हैदर कर्रार के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दरे खैबर को उखाड़ दिया, सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याही अली शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मंजिल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। उसके भाई मुसब का कसूर है, अगर वो खामखा दखल ना देता तो मंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है, मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुला रहे। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना माने। शाह के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और औसिया और 72 शहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, जो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हराम कारियों का अहल है। उसका और उसके साथियों का नजीस वजूद बार पे लटकाया जाएगा। उठो पत्थर के सुरंगों के पीछे छुप जाओ। उठो जल्दी करो।
उठो और देखो ये कैसी कहमत आ गई है, आसमान से आग बरस रही है। कहाँ है, कहाँ कहाँ है, कहाँ? उठो उठो, अपनी ढालों को अपने सरों पर रखो, उठो साहब। दीवारों और पत्थरों के सोनों के पीछे छुप जाओ, उठो जाओ सब लोग, थाना काबा पर मंजरीक से गोलाबारी कर रहे हैं, जल्दी से छुप जाओ सब लोग, छुप जाओ। गर्दन वाले सब उठो, जलकर मरना चाहते हो क्या? उठो जल्दी करो। खुदा की पनाह मांगता हूं, अल्लाह तुम ही बचा ले, तू ही हमें बचा ले अल्लाह। हरम को बचाओ मुसलमानों, काबा को बचाओ।